कहा जाता है जहां प्रतिभाओं की बात आती है तो वहीं अपना उत्तर प्रदेश का जनपद मऊ भी प्रतिभाशालियों से भरा पड़ा है। इनकी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए हम लोगों का भी एक बड़ा कर्तव्य है कि इन प्रतिभाओं को उजागर किया जाए और देश विदेश तक की इनकी प्रतिभाओं को दिखाया जाए। हम आप जानते हैं कि मऊ में हर खास चीज दिखाने के लिए मारीना संदेश को जाना जाता है, तो एक खास बात हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच की और हमसे 5 इंच करीब बड़ा ये ट्रॉफी सामने आपके रखी हुई है, लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने भी इतनी बड़ी ट्रॉफी देखा है। ये ट्रॉफी जनपद आजमगढ़ से ला करके मऊ में इसको स्थापित कर दिया गया है और इसको हासिल करने वाले हमारे परम मित्र मोहम्मद दानिश और उनके पार्टनर आमिर थे, इन दोनों लोगों की पार्टनरशिप ने ये काफी बड़ा मुकाम हासिल किया है। और आपको बता दें ये जो कंपटीशन इन्होंने फाइनल में जो जीता है, तो ये जो कंपटीशन का था, इस कंपटीशन में उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले सहित आसपास के तमाम राज्यों के भी खिलाड़ी आए थे इस प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। लेकिन यहां जानते हैं कि जहां प्रतिभा होगी वहीं सम्मान होगा, वहीं मान होगा, वहीं प्रदर्शन भी होगा और वहीं जीत भी होगी। तो प्रतिभाशालियों के बीच में मोहम्मद दानिश साहब ने काफी बड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए और इतनी बड़ी ट्रॉफी ला के मेरे बगल में खड़ी कर दी है, जो आपको भी दिखाना जरूरी था। अभी तक तो हम लोग इतनी बड़ी देखते थे, इतनी बड़ी से तात्पर्य 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट तक की देखते थे, मैक्सिमम इतनी बड़ी 3 फीट तक ही देखा गया था। लेकिन 6 फीट की इस ट्रॉफी को उठाना भी समझिए काफी जहमत की बात है, ये काफी हैवी ट्रॉफी है ये। और सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, इनकी टीम को, विनर टीम को 10,000 रुपए का कैश प्राइज भी दिया गया था, जो यहां देख सकते हैं कि जमाली कैरम क्लब के नाम से और जिसमें स्पॉन्सर्ड बाई अर्शद जमाल मेंबर नगर पालिका परिषद द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया था और 10,000 रुपए का कैश प्राइज भी इन लोगों को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी प्रतिभा की जो चर्चाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में फैली हैं। कुछ वर्ष पहले अभी इन्होंने नेशनल मैच भी खेला था जिसके लिए इनको नगर पालिका में जब खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था तो कैरम के इस खेल में, इस प्रतियोगिता में दानिश का नाम अकेला था जो गूंज रहा था, मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश ने काफी बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था और हम आपको दिखाएंगे कि इनको सिर्फ ट्रॉफी चेक यही नहीं बल्कि घर में होम अप्लायंसेस जो घर के इस्तेमाल की भी चीज है इनको खरीदना कम पड़ता है, मिल जाती है ज्यादा, ये काफी बड़ी बात है। जैसे इसी में एक चीज हम आपको दिखाएंगे कि इनकी एक साइकिल इनके बच्चों को मिली थी, ये कुछ दिन पहले की ये साइकिल एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इनके बच्चों का एक बच्चे का मतलब इनको एक साइकिल मिली थी, बेबी साइकिल ये मिली थी। इसके अलावा हम आगे आपके इसके बाद के वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे इनको फ्रिज मिली है, वॉशिंग मशीन मिला, एसी है, गीजर है, होम अप्लायंसेस जितने हैं लगभग सब कुछ ये पा चुके हैं। और ट्रॉफी तो ये बड़ी है इसलिए आपको दिखा रहे हैं, छोटी ट्रॉफी से पूरा इनका एक रूम भरा हुआ है। अब हम दानिश साहब से, अभी तक तो हमने इतना आपको बता दिया, अब दानिश साहब से हम खास बातचीत करेंगे, चलते हैं दानिश साहब की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, औरंगाबाद रहता हूँ। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी हमारे तो साड़ी का काम करते थे, अब उम्र हो गई है तो अब काम नहीं करते हैं। मतलब पिताजी व्यापार करते हैं? व्यापार करते हैं बिल्कुल। और आपकी रुचि? हम, हमारी मशीनें चलती हैं, धागे का काम होता है। अच्छा, तो आपको कैसे कैरम का शौक पैदा हो गया? कैरम छोटे थे तो खेलते थे ऐसे ही घर में बैठ के, तो खेलते खेलते एक बड़े प्लेयर मिल गए हमारे मार्ट साहब जो सेक्रेटरी हैं और जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, अच्छा वो मास्टर इश्तियाक साहब, बिल्कुल वो प्रिंसिपल थे जी। तो मैं खेल लाता ऐसे ही, तो मार्ट साहब हमको देखे एक बार, अरे यार तुम तो बहुत अच्छा खेल रहे हो कैरम, तुम बड़ा टूर्नामेंट क्यों नहीं खेलते हो? तो हम गए, हम तो कहीं जाते नहीं है और हमारे अब्बू हैं चाहे भाई है कहीं जाने भी नहीं देंगे। करे नहीं, हम बात करते हैं हमारे भाई से, बोलते हैं कोई ऐसा खेल तो है नहीं कि बुरा हो। तो मार्ट साहब आके कहे हमारे भाई से, तो भाई हमारे तैयार हो गए जाने के लिए, ठीक है खेल लो। तो ऐसे ही मार्ट साहब हमारा बहुत सपोर्ट किए, बिल्कुल कि खेलो। तो एक बार नेशनल गए हम लोग कोयम्बटूर खेलने, तो वहां 3 चैंपियनशिप होता है, उसमें हम लोग विनर हुए थे और उसमें भी ट्रॉफी सर्टिफिकेट और वगैरह वगैरह भी सामान बहुत मिला था। उसके लिए अब देखना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है। और उसके बाद मऊ में, उत्तर प्रदेश में भी टूर्नामेंट बहुत खेले हैं, नेशनल भी कई खेल चुके हैं, लेकिन उसमें हम लोग 3 चैंपियनशिप में जीता गया था। अच्छा, ये किस सन की बात है, कुछ याद है? ये सन तो 2000 लगभग 6-7 का होगा, 2006 या 7 का मामला है, यानी आप काफी पुराने इस लाइन के खिलाड़ी हैं। आपकी उम्र कितनी होगी?
मेरी उम्र लगभग 32 साल होगी। 32 साल में यानी आपने अपने जीवन का लगभग 60% हिस्सा कैरम में गुजार दिया। जी। तो व्यापार का आपको समय कब मिलता था? तब हमारे भाई थे, भाई काम हम करते थे ना। अच्छा। हाँ। तो अब आप काम जब करते हैं तो फिर आपने कैसे इतनी बड़ी नहीं, अब, दिया? अब, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप कितना वक्त देते हैं कैरम के लिए? अब हम वक्त नहीं देते हैं कैरम में। फिर कैसे आपको इतनी बड़ी प्राइज मिल जा रही है, नगद प्राइज मिल जा रहा है, क्या है सिस्टम? होता है जैसे कि नाम भी बोलता है, मतलब मैच फिक्सिंग वाला काम तो नहीं करते? नहीं ना, मैच फिक्सिंग कहाँ से होगा, वो तो बड़े बड़े लोग टूर्नामेंट कराते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये टूर्नामेंट अभी कहाँ होता है? जो आपके बगल में ट्रॉफी रखी है, आपसे भी बड़ी जो आपकी ट्रॉफी है जी, ये आपके कद से ज्यादा ट्रॉफी का कद हो गया है। अब मऊ में जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है जी। ट्रॉफी कैसे मिली, कहाँ मिली, कब मिली, ये क्या था, पूरा मामला बताएं। ये तो टूर्नामेंट 23 और 24 जनवरी को हुआ था। अच्छा, आजमगढ़। अच्छा, मुबारकपुर में, आजमगढ़ बिल्कुल जी, मुबारकपुर में हुआ। मुबारकपुर आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ था जी। फिर तो वहाँ टूर्नामेंट हुआ जिसमें जयपुर, झारखंड, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर, मऊ वगैरह वगैरह जितने साथ साथ अगल बगल अगल बगल वाले भी राज्य आगे खेले थे। कितने प्लेयर लगभग थे? लगभग डबल का था, जिसमें 128 टीमें थी, यानी 128 का मतलब 256 256 प्लेयर खेले थे। बिल्कुल, 256 प्लेयर में दो प्लेयर जीते जी, यानी एक टीम जीती और प्लेयर दो जी जी विनर हुए जी। तो विनर के लिए ये प्राइस था जी, विनर ट्रॉफी और ये। हाँ, और एक वो था गैस का बड़ा वाला चूल्हा था, अच्छा वाला। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, यानी गैस स्टोव भी आपको मिला जी, बहुत अच्छा, टॉप क्वालिटी का। ये जो साइकिल आपने अभी दिखाया था बच्चे की, ये करीब 5 महीने पहले हुआ था टूर्नामेंट मऊ में ही, डिस्ट्रिक्ट अच्छा, लेवल का। अच्छा। तो उसमें विनर हुए थे। नहीं, कैरम में आप सरकारी नौकरी भी है, अगर आप अच्छा नेशनल चैंपियन अगर हो गए तो आपको सरकारी। मऊ में जो लोग हैं कैरम से जुड़े हुए, क्या उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि मऊ की जो प्रतिभा है उसको सरकार से जोड़ा जाए? नहीं, थोड़ा बहुत किए, मार्ट साहब भी सपोर्ट किए, लेकिन भाई दबे जीतेंगे तब ना होंगे, हार जाते हैं लोग, नहीं जीत पाते हैं। कितनी बार मऊ के लोग चैंपियनशिप खेले हैं, नेशनल चैंपियनशिप आपके अलावा और कितने खेले हैं? खेले बहुत लोग खेले हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ था कि चैंपियनशिप में जीता हुआ हो। अच्छा। हाँ, यूपी में तो एक बार मुमताज तरफदार थे, वो जीते थे। अच्छा। और फिर आपने रिकॉर्ड बनाया? नहीं, हमने नेशनल में 3 चैंपियनशिप में खेला। अच्छा, आपने नेशनल में रिकॉर्ड बनाया जी, यानी कि मऊ जनपद में नेशनल का रिकॉर्ड बनाने वाले अकेले शख्स हैं मोहम्मद दानिश साहब, जिन्होंने इतनी बड़ी ट्रॉफी अभी जल्दी हासिल की है। और इनके घर में हमको लगता है कि इनकी घर की दीवारें और सोफा वोफा छोड़ के बाकी हर चीज इनको कैरम के ही माध्यम से मिली है। और इनका अपना खुद का व्यापार भी है, धागे का, जरी वगैरह का काम ये करते हैं। और ये मऊ का नाम रोशन करने का जो काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कैरम की दुनिया एक बड़ी सीमित दुनिया होती है, इंडोर गेम है, जो टीम होती है वही प्लेयर है, वही दर्शक है, इतने ही में ये सीमित हो जाता है। इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे विचार होना चाहिए, इन प्रतिभाओं को उजागर करके आगे बढ़ना चाहिए। इनका सर्टिफिकेट हम आपको दिखाएंगे जो नगर पालिका में इनको सम्मानित किया गया था, इनकी प्रतिभा को देखते हुए, इनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, और आए दिन ये चर्चा का विषय बने रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अगर कहीं आ जाता है नाम कि मोहम्मद दानिश अशोका वर्सेस फला, तो जो वर्सेस होता है एक बार वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है कि दानिश जो उसका खेल पड़ने वाला है। ये इन्होंने एक अपनी छवि बना ली है, जंगल का राजा शेर जैसे होता है वैसे कैरम का किंग दानिश को यहां माना जाता है। ये स्थिति दानिश साहब की है। और दानिश साहब, क्या इसमें अकेले आपका योगदान था खेल? नहीं, इसमें हमारा एक पार्टनर था मोहम्मद आमिर नाम का, जो इधर आपके रोजे के आगे मलिकताही मदारी है, मलिकताही वही का। अच्छा। दोनों मिलके वो भी काफी अच्छा खेला था, दोनों के सहयोग से ही हम लोग जीते थे, अकेले हम नहीं जीते, उसका सपोर्ट था पूरा। हम आपको दिखाएंगे अब दानिश साहब को जो होम अप्लायंसेस मिले हैं वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। और इनके जो साथी हैं वो संयोग से आज मऊ जिले में मौजूद नहीं है, नहीं तो उनको भी हम आपके साथ सामने इनके बैठाल के दिखाए होते, खैर अभी नहीं दिखा पाए, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मुबारकपुर के टूर्नामेंट का वो वीडियो ऐड करके दिखाएंगे, ताकि आप भी देखें कि मोहम्मद आमिर जो काफी कम उम्र में काफी बड़ा नाम उन्होंने दानिश को पार्टनर बना के कमा लिया है, ये काफी बड़ी बात है। आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं इनके जो खेल का जो सबूत है, जो सामान इन्हें मिला है, कुछ सामानों को भी हम आपको दिखा देंगे, सर्टिफिकेट को दिखाएंगे। खेल तो इनका आज हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन
खेलने के बाद जो जीत के बाद जो उत्साह था, एक छोटी सी वीडियो क्लिप आगे जरूर हम आपको दिखाते हैं, वीडियो देखें। ये है वो फ्रिज जो स्टार कैरम क्लब की तरफ से अमीलो में मैच हुआ था 25 मार्च 2014 को, जो दानिश को मिली थी वीडियो कॉन। सामने आप देख सकते हैं कि मोहम्मद दानिश साहब के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट से आप अंदाज़ लगा सकते हैं। और ट्रॉफी को आप देख सकते हैं, और यहाँ ट्रॉफी पे नीचे जो लिखा हुआ है, ये जमाली कैरम क्लब 23/24/1/2023 पूरा खिजिर मुबारकपुर आजमगढ़, जहाँ पे ये मुबारकपुर में भी जो टूर्नामेंट लोग कराते हैं, प्राइवेट अपने स्तर पर कराते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर कराते हैं।